यार मैं जो है आज आपको अपनी लाइफ टाइम यूट्यूब इनकम बता देता हूँ। आज तक जितना भी मैंने यूट्यूब से अर्न किया मैं आपको बता दूंगा आज। आज से 200 साल पहले, 200 साल दो साल पहले की बात, हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी Q&A की, और उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप पूछे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो यार सबको रमज़ान मुबारक। लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि उस वक्त पहले रोज़े वाले दिन मैं नई वीडियो बना पाया Q&A की, तो कोई बात नहीं। तो आज हम Q&A करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देंगे। वही सेम सवाल हैं जो कि पिछले 200 सालों से पूछते आ रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है इंफॉर्मेटिव दुनिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं और मेरा दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको जाकर सब्सक्राइब करो, बस लाइक मारो। और क्या करना है, जाकर उसको सब्सक्राइब करो, लाइक मारो। और साथ में एक और चैनल है जो कि मेरे से पूछा गया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि मेरा एक सॉन्ग वाला चैनल था पहले, वैसे अभी तो रमज़ान है उस पर कुछ अपलोड वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन वैसे एक वो गानों वाला मेरा चैनल था। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। वो है मेरा चैनल तो नहीं है, लेकिन उस पर भी मिलकर काम किया जा रहा है, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। सो यार यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है BC बॉय वाइंस 1122 की तरफ से, तो ये कह रहे हैं हाय ब्रो, आई एम उस्मान, योर वीडियो इज़ अमेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार थैंक यू सो मच, और आप इनके चैनल को जाकर चेकआउट करिएगा, ये फ़नी वीडियोस बनाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इनका जो है कमेंट मिल जाएगा, जाकर चेक करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब मार देना, लाइक मार देना, तो कमेंट सेक्शन में चेक करना इनके चैनल को भी। अगला कमेंट है यहाँ पे हुसैन स्टूडियो की तरफ से, योर पबजी आईडी, तो पबजी की जो मेरी आईडी है वो है YouTuber27 के कैपिटल लेटर्स में। पबजी में इतनी खास खेलता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया खेलना, तो YouTuber27 के नेम है मेरा, यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे कैपिटल लेटर्स में। अगला कमेंट है जी मौलवी व्लॉग की तरफ से, व्हाट इज़ योर एज, तो मैं अभी 15 साल का हूँ, और अभी अक्टूबर में जो है 2020 अक्टूबर में 16 का हो जाऊँगा। यहाँ पे अगला कमेंट है टेक्निकल हसन की तरफ से, ब्रो विच फ़ोन डू यू यूज़ एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो यार मेरा जो है फ़ोन वो है S10 Plus, मैं इस पर ही रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट भी इस पर ही करता हूँ, गेम्स वगैरह भी इस पर ही खेलता हूँ, तो यही एक ही फ़ोन है मेरे पास S10 Plus। और भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भाई कंप्यूटर है, इससे बढ़ के क्या होगा, कंप्यूटर है फेवरेट। अगला कमेंट है जी यहाँ पे स्वाड गेमर की तरफ से, वाई योर व्यूज़ गो डाउन, वाई यू आर नॉट रेगुलर ऑन योर चैनल। तो व्यूज़ मेरे ख्याल से इसी वजह से डाउन हो गया, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर नहीं था। तो अब मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर तो हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर भी ट्राई करेंगे, फिर मतलब के स्टार्ट करने की कोशिश करें। सो यार अभी आप लोग जो है सपोर्ट वगैरह करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि व्यूज़ आएँ। तो यहाँ पर अगला कमेंट है एवरीथिंग इज़ हेयर, आप अपनी वीडियो S10 Plus में बनाते हो, हाँ यार मेरे पास S10 Plus है, और उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट, गेम्स वगैरह सारा कुछ जो है इसी पे होता है, ट्रिक्स वगैरह जो भी होते हैं गेम्स के वो भी इसी पे मैं करता हूँ। यहाँ पे अगला कमेंट है टेक्निकल हसन की तरफ से, व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम, तो यार मैं जो है आज आपको अपनी लाइफ टाइम यूट्यूब इनकम बता देता हूँ। आज तक जितना भी मैंने यूट्यूब से अर्न किया मैं आपको बता दूँगा आज, तो मैंने टोटल जो है तकरीबन 50,000 रुपीज़ जो है अर्न किए हैं यूट्यूब से 4 ईयर्स में, 4 सालों में यूट्यूब से 50,000 रुपीज़ अर्न किए हैं। ये जो सारा सेटअप है ना, मुझे उम्मीद है 50,000 से अबव ही होगा, ये जितना भी पैसा यूट्यूब पे खर्च किया हुआ है या जो भी है, तो मेरे ख्याल से 50,000 से अबव ही होगा या उसके आसपास ही होगा। तो आज तक मैंने यूट्यूब से 4 सालों में सिर्फ 50,000 या 55 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना ही अर्न किया है यूट्यूब से पूरी लाइफ टाइम। अगला कमेंट है जी यहाँ पे जूबी हाइपर की तरफ से, पिछला बैकग्राउंड सेटअप ज़्यादा अच्छा था, तो भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं जो है फिर से मंगवाऊंगा पूरा सेटअप जो है, हम फिर से बनाएंगे फुल, इस दफ़ा जो है फुल बॉम्ब सेटअप बनाएंगे। आप कोई जो है वो फोम वगैरह नहीं लगाने, वो जो है तकरीबन बॉक्सेस नहीं होते फोम के, वो AliExpress से मंगवाएंगे, वही सारे लगाएंगे, बस लॉकडाउन ओपन हो जाए तो कार्ड से, भाई कार्ड पास है कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे मंगवाने हैं 30 दिनों में आ जाने हैं तो फिर लगाएंगे। तो वैसे भी टाइम लग जाएगा जब तक ये लॉकडाउन ही ख़त्म होना, और डिलीवरी में भी 30 दिन लग जाते हैं, तो अभी फिर कमेंट है व्हाट इज़ योर लाइफ ड्रीम,
लाइफ की ड्रीम यही है बस यार, पैसा हो ख़त्म ना हो, बस यही है हर किसी का, यही होता है और क्या होगा। अगला कमेंट है, ब्रो आप 8 बॉल पूल कितने सालों से खेलते हो? तो मैं 8 बॉल पूल तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आई थिंक। फ्री फायर भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और 8 बॉल पूल भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये दोनों ही गेम में मैं काफ़ी खेलता था, अब मैंने थोड़ी कम कर दी है। अभी मैं फ्री फायर खेलता हूँ या फिर पबजी खेलता हूँ, ज़्यादा नहीं खेलता लेकिन खेलता हूँ। पबजी अभी मैंने स्टार्ट की है। अगला कमेंट है, अपना सेटअप टूर दिखाओ गेमिंग का। गेमिंग का सेटअप टूर कुछ नहीं है, फ़ोन है उस पर खेलते हैं या फिर यहाँ पे मेरे पास पड़ा है। ये ट्रिगर है, ये मैं पबजी के 3 फिंगर खेलने की कोशिश करता हूँ, फायरिंग वाला बटन इधर और ये मूवमेंट और ये, तो फिर ये ट्रिगर से मैं कई दफ़ा खेलता हूँ लेकिन मार जाता हूँ। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, सेंसिटिविटी मुझे इतनी खास अभी पता नहीं है। वो बंदा आया होता है, बंदे पे फायरिंग कर रहे होते हैं, तो वो बंदा इधर है तो फायरिंग सामने हो रही है, मतलब इधर बंदा है फायरिंग इधर हो रही है, तो ऐसे इधर मुड़ता ही नहीं है वो। तो पता नहीं क्या है, क्या मेरे फ़ोन का मसला है क्या है, सेंसिटिविटी कोई ख़राब है, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो इतना खास अभी अच्छा खेला नहीं जाती पबजी। अगला कमेंट है, ब्रो आप कौन सा माइक यूज़ करते हो? तो माइक ये अभी बोया BY MM1 लगाया भाई, तकरीबन 5,000 का माइक मिल जाता है, 5,000 रुपीज़ का। मैंने वीडियो वाली सरकार की वेबसाइट samaan.pk से मंगवाया था उस वक्त, अभी मुझे याद नहीं है कि ये कितने का होगा, 4,500 इतने का ही था। और यहाँ पे एक और माइक है मेरे पास, बोया BY MM1, वो भी ख़राब हो चुका है। उसके अंदर मैंने पहले Q&A वीडियो में सारी शूट कर चुका था, लेकिन जब मैंने उसको सुना तो उसके अंदर एक जो आवाज़ थी शू शू की वो आ रही थी, तो फिर मुझे अब दोबारा ये रिकॉर्ड करनी पड़ी है सारी वीडियो, ये मैं अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था। अगला कमेंट है, उस्मान शेख फिल्म्स का, व्हाट इज़ योर गोल इन 2020? तो गोल यही है बस, मैट्रिक और 9th में अच्छे मार्क्स आ जाएँ, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, माँ बाप खुश, अपन तो वैसे ही खुश और रिश्तेदार भी खुश, तो बस यही है। भाई आपके पास गेमिंग PC है? PC नहीं है, मैं फ़ोन पे गेमिंग करता हूँ, लेकिन ये 9th के पेपर ख़त्म हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक गेमिंग फ़ोन लिया जाए। तकरीबन एक शाओमी का आया हुआ है, ब्लैक शार्क या ब्लू शार्क पता नहीं 3 के नाम से शाओमी का आया है, वो लिया जाए। वो गेमिंग फ़ोन है, उसकी पूरी किट ली जाए गेमिंग फ़ोन की, वो लिया जाए, या फिर PC बनवाया जाए, या फिर लैपटॉप कोई देखेंगे, क्योंकि लैपटॉप या PC में ही सही गेम खेली जाती है, कोई भी हो जाए, पबजी फ्री फायर ये दोनों गेम में जो है ये PC वाली हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट स्पीड बहुत तेज़ होती है। मोबाइल में जो है काफ़ी दफ़ा खेलते हुए गर्म हो जाता है, तो परफॉर्मेंस जो है उसकी स्लो हो जाती है, तो PC का हम सोचेंगे 9th के पेपर्स के बाद। अगला कमेंट है, वॉक थ्रू गेम प्ले की तरफ से, भाई सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, सारी लाइव स्ट्रीम देखी है, सारी वीडियोज़ देखी हैं, सो थैंक यू सो मच यार, आप जैसे लोग और चाहिए बस ऐसे ही सपोर्ट किया करो। अगला कमेंट है, हसीब TV किधर है? तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इंस्टाग्राम पे तो होता है वो, इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव होता है गेमिंग चैनल, उसने अपना मेरे ख्याल से सेल कर दिया हुआ है, उसका था गेमिंग चैनल उसने सेल कर दिया, और उसका मेन चैनल उसका नाम चेंज है, तो मुझे नहीं पता भाई वो किधर रहता है। मुझे पता तो है लाहौर में रहता है, लेकिन पता नहीं उसने क्यों क्विट कर दिया। मैंने एक दफ़ा उससे पूछा था तो उसने आगे स्माइली वाला फेस भेज दिया, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा आगे से बस। अगला कमेंट है, भाई तू इतना शोहा क्यों है? यार मैं जो है ना शोही तब मारता हूँ जब मैं कोई नई चीज़ लूँ। फर्ज करो मैंने फ़ोन लिया, तो मैं जो है गेम खेल रहा हूँ ना, तो मैं दोस्तों से पूछता हूँ भाई आपके पास कौन सा फ़ोन है, अगर वो कहें ना, अगर वो जो भी अपना फ़ोन बताएं, वो मेरे से ना भी ना पूछें कि तुम कौन से फ़ोन पर खेल रहे हो, तो मैं खुद मारता हूँ भाई, मैं Xbox पर खेल रहा हूँ हट। तो यार यही कमेंट्स थे, और एक और कमेंट वो बताता है आपकी GF है तो नहीं। तो आज की शूटिंग में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, जो भी चैनल के बारे में आपको बताया है उनको जाकर सब्सक्राइब करना, चेकआउट करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड पीस आउट।